हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब बढ़िया होगे। तो यार अभी मैं गया था ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, जैसे मेरा ना यहाँ पे 3 साल होने वाला है जापान में, और अभी तक मैं 3 बार जा चुका, अभी तक मेरा ड्राइविंग लाइसेंस बना नहीं। वो मेरी भी थोड़ी सी पागलपंती बोल सकते हो, या फिर ये बोल सकते हो कि आप लोगों के लिए एक्सपीरियंस इकट्ठा कर रहा हूँ। जब मेरा लाइसेंस बन जाऊंगा तो आप लोगों को बताऊंगा कि जो मैंने गलती किया, जो कर रहा हूँ, आप लोग ना करें, नहीं तो आप लोगों का भी नहीं बनेगा। और आज लाइसेंस बनवाने के चक्कर में मेरा कैमरा भी टूट गया, उसका भी थोड़ा नुकसान हो गया। तो कोई बात नहीं, वो जब मेरा लाइसेंस बन जाएगा उसको डिटेल में बताऊंगा मैं। तो आज की इस वीडियो में आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे आप हम कोई भी यहाँ पे नया जब आता है ना, तो जैसे थोड़ी बहुत ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, बस हो या ट्रेन हो, तो उसमें प्रॉब्लम आती है यार। स्टार्टिंग में पता नहीं लगता कि कैसे ट्रेन सर्च करना है, कैसे टिकट परचेज करना है, चाहे बस में हो या ट्रेन में हो, तो पता नहीं लगता। तो आज की इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में बताऊंगा कि जब यहाँ पे ट्रैवलिंग करते हैं तो आप कैसे ट्रैवलिंग कर सकते हैं, तो पूरी डिटेल में बताऊंगा, ताकि आप लोग अगर यहाँ पे आते हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प हो सके, प्रॉब्लम ना आए। और जो भी चैनल पे न्यू है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना और एक शेयर भी कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले ट्रेन में बताता हूँ कि आप ट्रेन में कैसे जर्नी कर सकते हैं। देखो, ट्रेन में अगर आप जर्नी करते हैं तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ट्रेन सर्च कैसे करते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ क्यू संदई माए टू हकाता या हकाता टू क्यू संदई स्टेशन, ठीक है। तो देखो जैसे लिखेंगे तो देखो, अभी जैसे हकाता से जो ट्रेन है 16:49 में है, और वो 17:06 में हमें क्यू संदई पहुँचा देगी, मतलब जहाँ पर मैं रहता हूँ, और 17 मिनट टोटल लगेगा। और देखो उसके नीचे आते हैं तो इसका हमें फायर भी शो करता है, ये 280 की टिकट हमें लेनी पड़ेगी, ठीक है। और कार्ड है आपका तो कार्ड से 280 माइनस हो जाएगा जब आप एग्जिट करेंगे। और ये देखो हकाता स्टेशन से प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मिलेगी। अब इसमें क्या होता है कि अगर जैसे कोई छोटे स्टॉप है तो वहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर नहीं लिखा होता है, क्योंकि वहाँ पे जैसे 1 या 2 ही प्लेटफॉर्म है, तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। और जो बड़े स्टॉप होते हैं, मतलब जड़े बड़े स्टेशन होते हैं, तो वहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर लिखा होता है। तो देखो जैसे अभी ये कागोशिमा लाइन है लोकल टुवर्ड फुकोमा, ये और ये 8 मिनट बाद अभी ट्रेन है। तो जैसे कि आप नहीं पहुँच पाते 8 मिनट में, मतलब आप जैसे रूम पे हैं, आप नहीं पहुँच पा रहे हैं वहाँ पे, तो उसी के नीचे देखो ये सजेस्ट करता है, मतलब कि और भी ट्रेन, उसके नेक्स्ट ट्रेन कितने बजे की वो शो करता है, होती है। तो जैसे आप इसको हम क्लिक करेंगे तो अभी ये देखो 70 मिनट के बाद ट्रेन है, और सेम वही जितने जो भी फायर है वो सब शो करता है, ठीक है। एक इसको ऐसे सर्च किया जा सकता है, और एक दूसरा सर्च है मैप में जाके डायरेक्ट आप जहाँ पे जाना आपका डेस्टिनेशन लिख सकते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। अब ये जैसे मैप ओपन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैंने अब लिख दिया कि हकाता, तो ये हकाता लिखा, हकाता स्टेशन, ठीक है। अब जैसे ही हकाता स्टेशन आ गया तो देखो ये नीचे बस और ट्रेन सभी जितनी भी हैं सारी मतलब की शो कर देंगे। तो जैसे हम डायरेक्शन में जाते हैं तो देखो यहाँ पे बस और ट्रेन दोनों शो हो जाती हैं। देखिए ऊपर वाली ट्रेन है और ये नीचे आती है ये बस। तो जैसे कि बस में सेलेक्ट करते हैं तो देखो ये बस का, और देखो ये नीचे कॉस्ट भी लिखी हुई है कि 210 येन लगेगा। तो इस तरह से अगर हम मैप में देखते हैं तो हमको ट्रेन और बस दोनों का ऑप्शन यहाँ पे दिख जाता है, ठीक है। ये हो गया ट्रेन सर्च करना। देखो यहाँ पे 2 टाइप से आप जर्नी कर सकते हैं, एक आपको टिकट लेनी पड़ती है, दूसरा आप कार्ड बनवा सकते हैं। कार्ड भी 2 टाइप के होते हैं, एक कार्ड होता है रिचार्जेबल होता है, जो उसको हमेशा आपको रिचार्ज करना पड़ता है, और एक दूसरा होता है जो मंथली पास के तरह होता है। अगर मान लीजिए आप एवरीडे एक ही प्लेस पे जा रहे हैं, जैसे कॉलेज जा रहे हैं अपने, तो उसके लिए पास जरूरी होता है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये मेरा एक कार्ड है, अब ये मेरा पास नहीं रहा, अब ये रिचार्जेबल कार्ड है, क्योंकि मैं कॉलेज अब जाता नहीं हूँ, कॉलेज पे टाइम पे यूज करता था। ये कार्ड मैं रिचार्ज करता हूँ और ये मेरा आईसी कार्ड की तरह काम करता है। वैसे तो ये टेकी वाला है, मंथली पास वाला कार्ड है, और जो रिचार्जेबल कार्ड होता है वो इस तरह का होता है, रिचार्ज कर सकते कार्ड। अब देखिए कार्ड ले लिया या टिकट ले लिया, तो कार्ड के लिए आपको टच करना पड़ता है, और टिकट जो होती है तो टिकट जैसे कि जब आप इंटर करते हैं तो इंटर में एक छोटा सा होल होता है, उसमें आपको टिकट डालनी है, और जैसे एग्जिट करते हैं तो वहां से वो बाहर आती है, उसको लेके जाना होता है। मैं जब स्टार्टिंग में किया था ना, जब जर्नी किया था मैंने स्टार्टिंग में ट्रेन में फर्स्ट टाइम यहाँ पे गया था, तो वो जो टिकट लेनी होती मैं वहीं पे छोड़ के चला गया था, फिर स्टेशन मास्टर जो था उसने देख लिया था तो वो दौड़ के मुझको देने गया था। तो ये ध्यान देना, ये हो जाता है किसी न किसी के साथ, तो आपको टिकट लेके जानी है। अब देखो आप जर्नी कर सकते हैं ट्रेन में,
ट्रेन में एक चीज आपको ध्यान करने वाली बात है, वो सीरियसली लेना, आपको ना ट्रेन में यहाँ पे मोबाइल वगैरह यूज नहीं करते, मीन्स कॉलिंग पे, और हमेशा आप फोन साइलेंट में रखें। मैं तो जब से आया हूँ यहाँ पे 2.5 साल 3 साल हो गए, तब से ही साइलेंट में है, और मेरा इंडिया में भी साइलेंट में फ़ोन होता था, तो हमेशा फ़ोन साइलेंट में रखें। आपका अगर आपका साइलेंट फ़ोन नहीं, आपका फ़ोन आ जाता है ना, तो आपको बड़ी इरिटेट फील होगा, आपको लोग ना बड़ी बुरी नज़र टाइप से देखते हैं। और कोशिश करें कि अगर आपका कॉल आता है तो आप बात ना करें या धीरे से बात करें, और आप उसको टाइम दे सकते हैं कि आप बाद में बात करें, हम ट्रेन में हैं। तो जो भी जापान में होगा समझ जाएगा कि ट्रेन में बात करना अलाउड नहीं है, या लाउडली बोलना अलाउड नहीं है, इसलिए बोल रहा है, तो वो जरूरी है आपको करना। और अब जब एग्जिट करते हैं, जो आपका डेस्टिनेशन पॉइंट होता है टिकट डालने का, तो आप टिकट डाल दीजिए, वो बाहर फिर नहीं मिलती आपको, और जो कार्ड होता है तो कार्ड को टच करके निकल जाते हो, तो जितना भी आपकी अमाउंट होगी वो आपके कार्ड से डिडक्ट होगी। और एक बता दूं कि अगर आप कार्ड बनवा के यहाँ पे जर्नी करते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा जो टाइम आपका कंज्यूम होता है वो थोड़ा सा बचेगा। तो और आप कभी कभी ये भी होता है, जैसे टिकट लिया, जहाँ तक की टिकट है तो वहाँ तक टिकट लेते हैं, तो कभी कभी हमें और आगे स्टेशन में जाना होता है या पहले उतरना होता है, तो उसमें क्या होता है कि अगर कार्ड है तो आपका जहाँ से भी चढ़ोगे, जहाँ पे भी आप जाना चाहते हो, आपकी उतनी ही अमाउंट डिडक्ट हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती। बट टिकट में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट उसका प्रॉब्लम का भी सलूशन है, और कार्ड में भी ऐसी हो सकती है प्रॉब्लम। जैसे कार्ड आपने लिया, कार्ड में आपके पैसे मतलब कि ज़्यादा नहीं है, मान लीजिए आप कार्ड से आप गए और कार्ड में आपके 200 पड़े हुए हैं और आपके टिकट है 300 की, तो आपको क्या करना होगा कि जैसे आप बाहर एग्जिट करते हैं तो एग्जिट पॉइंट के बगल में एक फायर एडजस्टमेंट मशीन लगी होती है, तो आप वहां पे उसको रिचार्ज कर सकते हैं कार्ड को, या फिर अगर मशीन तो ऐसे हर जगह होती है, और अगर नहीं भी है तो आपको वो जो स्टेशन मास्टर होगा, आप वहाँ पे आप कार्ड को देंगे तो कार्ड का आप टच करके पता चल जाता है कि आप कहाँ से वहाँ पे ट्रेन में चढ़े हैं, तो वो आपको कर देता है। और टिकट का भी सेम है, अगर टिकट आपके मान लीजिए आपको ज़्यादा दूर तक चले गए और टिकट के आपके पैसे ज़्यादा होते बनते हैं, तो वही सेम आप वहाँ पे जाइए टिकट काउंटर में, तो आप वहाँ पे आपको उनको टिकट दीजिए, तो वो आपको जितना भी आपका बैलेंस रिमेनिंग अमाउंट होगी, जितना आपका और लगना होगा तो आपको बता देंगे, तो आप वहाँ पे देख के निकल सकते हैं। बट कार्ड का थोड़ा सा ये होता है कि कार्ड में अगर ज़्यादा पैसे पड़े हैं या जितने भी पैसे पड़े हैं तो आप जल्दी चले जा सकते हैं, थोड़ा सा जो टाइम कंज्यूम होता है वो आपका टाइम बच जाता है। तो अब बताता हूँ कि बस में आप कैसे जर्नी करेंगे। तो देखो बस में भी सेम है, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं बस, तो बस की टाइमिंग आपको मिल जाएगी, या फिर अगर आपको गूगल में नहीं देखना तो आप जो भी बस स्टॉप है आपके नियर बाई, तो वहाँ पे एक चार्ट सा लगा होता है, वो चार्ट में टाइम लिखा होता है और टाइम के आगे मतलब कि कितने मिनट की है, जैसे 1, 2, 3, 4 करके लिखा होगा, फिर उसके मिनट लिखे होते आगे, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, और ऊपर लिखा होता है कि किस साइड पे जाना है आपको, तो वहाँ से भी देख सकते हैं। और यहाँ पे यार अगर आप बस में या फिर ट्रेन में चढ़ते हो तो मिनिमम जो फायर होता है वो 170 होता है, एक बार आपने चढ़ा तो उसमें 170 यानी आपके लगेंगे, उससे कम है ही नहीं। तो देखिए बस का भी, अगर आप बस में भी आपका जर्नी ज़्यादा है, आप ट्रैवलिंग करते हैं बस में ज़्यादा, तो बस का भी कार्ड बनता है, वो IC कार्ड होता है, वो आप बहुत सी कंपनी बनाती हैं, आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप किसी बस स्टॉप में जाके बनवा सकते हैं। तो जब बस में आप इंटर करते हैं, अगर आपके पास कार्ड है तो कार्ड को आपको टच करना होता है जहां से भी आप चढ़ते हैं, या फिर अगर आपके पास कार्ड नहीं है तो आपको नीचे से टिकट लेने पड़ते हैं। जैसे ही बस का दरवाज़ा ओपन होता है तो टिकट बाहर आती है, और वो बाहर जैसे टिकट आती है तो आप उसको टेक करना होता है, तो वो ले सकते हैं, फिर आप बैठ सकते हैं। फिर आप जब जैसे आपको कहीं पे बस में जर्नी करते हैं तो अगर आपको उतरना है तो ये स्टॉप बटन होती है, आप इसको प्रेस करके आप कहीं पर भी उतर सकते हैं। वैसे तो 1-1 किलोमीटर या उससे कम ही में स्टॉप होते हैं, तो आप वहाँ पे वो जरूर बस खड़ी होती है, और आपको अगर आगे पीछे उतरना है, बस स्टॉप में भी उतरना है, तो आप पहले से बटन पुश कर सकते हैं, तो वो वहाँ पे स्टॉप हो जाती है। ठीक है, अब जब आप एग्जिट करते हैं तो बस में जो टिकट का नंबर होता है तो वो आपको पता होता है कि कितना फायर हुआ, वो ड्राइवर को पता नहीं होता जो चलाता है। तो उसमें क्या करना होता है, देखो ये टिकट है, जैसे ये 2 नंबर है, 4 नंबर की जो भी टिकट होगी, तो आपके बिल्कुल सामने जो जहाँ पे ड्राइवर बैठा होता है वहाँ पे वो लगा होता है एक LED, वहाँ पे जितने भी टिकट नंबर होता है वो टिकट नंबर ऊपर लिखा है व्हाइट नंबर में, और जस्ट उसी के नीचे उसका फायर लिखा होता है येलो कलर में, तो उतना आपका फायर बनता है, उतने पैसे आपको देने हैं। तो अगर आपके पास कार्ड है तो आप वहीं पे जहाँ पे ड्राइवर बैठा होता है उसके बगल में एक बॉक्स सा होता है, तो वहीं पे आप कार्ड टच करके निकल सकते हैं, या फिर आपके पास कार्ड नहीं है तो आपको पैसे देना है, तो मान लीजिए आपको 400 बनता है, आपके पास 1000 की
नोट है, तो पैसे डालने से पहले आपको सबसे पहले उसका चेंज लेना होता है कि आप बगल से यहाँ पे चेंज डालिए, मतलब नोट डालिए, और आपका नीचे से चेंज आएगा तो उस चेंज को निकाल के फिर आपके जितने पैसे होते हैं तो बगल में आपको ये डालना होता है। और ये कभी कभी अगर मान लीजिए आपने ज़्यादा डाल दिया उसमें तो वो बाहर नहीं आता, इसलिए आपको हमेशा पहले चेंज लेना होता है, यहाँ से चेंज लेके वहाँ पे डालो। अगर आपने ज़्यादा डाल दिया कम डाल दिया तो उसका फिर कुछ हिसाब किताब नहीं है, कभी कभी तो कम भी चल जाता है, पर कम मत डालना यार, ये गलत बात है। पर ज़्यादा डाला तो वो वापस नहीं आएगा, या अगर डाल भी दिया तो आप ड्राइवर से बोल के फिर ले सकते हैं, लेकिन वो एक बार चला गया तो फिर बिना ड्राइवर की मर्जी से वो नहीं निकलते। तो ये बस में ऐसे जर्नी करते हैं। तो गाइज ये वीडियो यहीं तक, आई होप आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हुई होगी। और ये जरूरी है यार, क्योंकि जब स्टार्टिंग में आते हैं ना तो ये सब चीज़ें पता नहीं होती, तो बड़ा मतलब कि मेरे साथ बहुत होता था, मुझे जाना कहीं और होता था, मैं कहीं और चला जाता था, रेंट भी नहीं पता लगता था कि कितना किराया हुआ मुझे, वो भी नहीं पता लगता था। तो ये सब चीज़ें यार पता होनी चाहिए। तो मैं कोशिश करता रहूँगा इसी तरह की आप लोगों को और भी ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो आगे मैं देता रहूँ। तो चलिए गाइस मिलते हैं किसी और वीडियो में, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, टेक केयर।